डीडवाना नागौर जिले के प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी आज डीडवाना कुचामन जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान चौधरी के द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागार में नागौर और डीडवाना कुचामन जिले के जिला स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक ली है। यह बैठक बजट घोषणाओं को लेकर ली गई है। बजट घोषणाओं में की गई घोषणाओं की क्रियान्वयन को लेकर यह बैठक ली गई है, जिसमें तमाम दोनों जिलों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे हैं, जिनको मंत्री के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। साथ ही दोनों जिलों के प्रभारी सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देखा है, 2014 से लेकर जिस तरह से हमारा देश प्रगति की है, आज विश्व में हम पांचवें नंबर के ताकत बनकर उभरे हैं, जहां हम 2014 में 11वें स्थान पे थे। प्रधानमंत्री जी का मकसद है कि किस तरह से 2028 तक हम विश्व में तीसरी ताकत बने, और इस जब बनेंगे, जब पूरे राज्य का विकास हो। मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने हमें वापस डबल इंजन की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई। आज हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जो बजट पेश किया, ये विकसित राजस्थान 2047 में हम किस तरह से यहाँ के हर लोगों को, चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, सबका ध्यान रखते हुए ये हमारे बजट बनाया। इसके लिए आज यहाँ पे नागौर और डीडवाना जिले के हमने किस तरह से बजट में जो दिए गए उनको किस तरह से समय पर पूरा करें, हमारे अधिकारी, हमारे किसान आयोग के चेयरमैन साहब, सीआर साहब, हमारे एसीएस जो नागौर जिले के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं, कुलदीप जी राका साहब, हमारे केल स्वामी जी जो भी एग्रीकल्चर डायरेक्टर है जो डीडवाना जिले का देख रहे हैं, हमारे दोनों कलेक्टर्स, हमारे एसपी, सब पूरे अधिकारी मिलकर आज हमने पहली बार ऐसा हुआ कि राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत बजट के 2 दिन के अंदर में, क्योंकि कल सैटरडे था, कल हमारे सभी सचिव मोटे दोनों जिलों में आए हैं, आज जो भी प्रभारी मंत्री है उसके तहत आज हम भी सब लोग आए हैं, किस तरह से इसको बजट को तुरंत क्रियान्वित करें और जनता के बीच में इसका बेनिफिट मिले, आज इसके लिए हमने ये समस्या बैठक की है और सब अधिकारियों ने बोला है कि हम इसको समय पे टारगेटेड इन्होंने बिंदु बना लिए, पॉइंट्स बना लिए, कब कब किसको कौन कौन से समय पूरा करना, चरणबद्ध तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। सर आप ये बात बिल्कुल सही है कि जितना पानी की जो रिक्वायरमेंट है नागौर और डीडवाना जिले को, उतना पानी नहीं मिल पा रहा। उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो सिस्टम, जो राजस्थान कैनाल से जो पानी को हम ले पाते थे, हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा था। उसके लिए लोकसभा चुनाव से पहले हमने टेंडर लगाया था, बाकी उसमें कहीं ना कहीं वो टेक्निकल कमी की वजह से कोई टेंडर पार्टिसिपेट करने आए, वो टेंडर कैंसिल हो गया था। दोबारा हमने उसके टुकड़े करते हुए उसमें क्वालिफाई हो जाए वो टेंडर हमने लगा दिए, उसके TS भी हमने निकाल दिए, उसके बहुत जल्दी उसके टेंडर आने के बाद में जितनी हमारी डिमांड है हम पूरा का पूरा पानी, जिससे नागौर और डीडवाना जिले के जितने भी शहर हैं उनको 135 लीटर, और जितने भी ग्रामीण हैं, जिसके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जीवन मिशन के तहत पानी देने की योजना बनाई, कोई भी घर पानी से नहीं, उनको 55 लीटर पानी देने का हम काम कर रहे हैं, और आने वाले साल भर के अंदर नागौर और डीडवाना जिले के हर घर में जितना उसकी डिमांड है, और जितनी डिमांड का मतलब है जितना नॉर्म्स के तहत उनको जो पानी देना, उतना पानी हम 100% देंगे, कोई भी घर ऐसा नहीं बचेगा इसमें पानी नहीं जाएगा। नहर बंदी मई जून में नहीं होती, डेफिनेटली कि नहरें जो बनी आज 40-50 साल से जो नहरें बन गई, कहीं ना कहीं उनमें मेंटेनेंस आता है। जो पानी जितना हम बाकड़ा नांगल से पोंग बांध से ले सकते हैं, उसमें पंजाब में और कहीं राजस्थान में कई जगह पे उसकी मेंटेनेंस के लिए काम चलता है, तो नहर बंदी कर रहे हैं तभी उसका काम कर रहे हैं, इस वजह से करवाते हैं, बाकी कोई नहर बंदी करने का नहीं है। इस बार भी गर्मी ज़्यादा आती है, देखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उसका फैसला लिया कि नहरबंदी हम नहीं करें, उसकी वजह से इस गर्मी में पानी की दिक्कत नहीं आए, क्योंकि जो पानी होगा उसी को हम सिस्टम को हम दे पाते हैं। और बहुत जल्दी जिस तरह से ERCBI यमुना का पानी आया, नर्मदा का पानी भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जरूर इस बार हमें नहरबंदी, अगर भगवान की आशीर्वाद रहेगा और बारिश अच्छी रह जाएगी, तो इस बार नहरबंदी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पंजाब से जो पानी ले रहे वो केनाल की स्थिति काफ़ी डैमेज हो चुकी है, जितना पानी हमारा होते हुए भी उसको नहीं ले पा रहे, तो ये तो नहरबंदी तो एक सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए रेगुलर होती है। इसका ऐसा नहीं है कि कोई पानी हमारे डिमांड के आधार, पूरा क्लाइमेट चेंज पूरे विश्व के साथ साथ पूरे भारत में क्लाइमेट बदल रहा है, राजस्थान के अंदर पहले ही सबसे कम पेड़ थे, सबसे ज़्यादा रेगिस्तान की स्थिति, पानी की सबसे ज़्यादा कमी राजस्थान में थी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने तय किया कि इस बार लगभग 7 करोड़ पौधे लगाए, उन पौधे लगाना ही नहीं है,
उन पौधों के अंदर लोगों में जागरूकता लाए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बोला कि जो भी पेड़ लगाए उसको लगे कि मैं उसमें उसके माँ के नाम से लगेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं लगेगा, फील होगा कि ये जब मेरे माँ के नाम से है तो उसमें मोटिवेट हो वो आदमी, उसकी रक्षा करे। तो पेड़ लगाने से ज़्यादा हमारा लक्ष्य है कि हम किस तरह से इनको जीवित रखें, इनको बड़ा करें, तभी जाके पेड़ लगाने का होगा। इस बार हमने टारगेट, अब तक के इतिहास में कहीं 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं आया था, इस बार हमने 7 करोड़ पौधों का लक्ष्य लिया। और हम उम्मीद है जिस तरह से मेरे नागौर और डीडोना में जो हमने अधिकारी और हमारे एस सी एस साहब और हमने जो ये सीआर साहब जो जिसमें लग रहा है कि जिनकी प्लानिंग है, क्योंकि पहली बार जो फॉरेस्ट के तहत पौधे लगते थे या जो भी लगते थे कोई तारबंदी का कोई प्रावधान नहीं होता था, उसको सुरक्षा के लिए कोई आदमी नहीं रखते थे, पानी पिलाने के लिए कोई नहीं होता। इस बार हम जहाँ जहाँ भी पौधा लगेगा वहाँ तारबंदी की व्यवस्था भी कर रहे हैं, उनके लिए सुरक्षा के लिए हम नरेगा के आदमी भी रख रहे हैं, और सबसे मेन तो पानी पिलाने के लिए भी हमने एसएफसीबी में जो बजट है उसके तहत पानी भी पिलाएंगे, जिससे पौधा 100% बड़ा होगा। हो सकता है सर्वाइज 10-5% कहीं डैमेज हो जाए, ताकि हमारी उम्मीद है कि हम पूरे पौधे बढ़े। सर आप सुनने करंट से कई मौतें होती है और कल लाडनू में हालिया मौत हुई है। देखो इस बजट के अंदर हमने सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने, कहीं ना कहीं हमारा जो पुराना सिस्टम था बिजली के अंदर कहीं ना कहीं जो फॉल्ट थे, कहीं तार में कमी थी या कोई भी, इसको करने के लिए हमने हमारी सरकार इस बजट में काफ़ी कुछ रखा है। बिजली की उपलब्धता कैसे बढ़े, क्योंकि जो आज इस बार गर्मियों में जो देखने को मिला कि जितनी डिमांड थी उसके अनुरूप हम सप्लाई नहीं दे पाए, इसका सबसे बड़ा कारण था कि पिछले 5 साल में डिमांड के अनुरूप में हमने इसका प्रोडक्शन नहीं कर पाए। इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी को राजस्थान की जनता की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहली बार हमने 2,25,000 करोड़ रुपये के हमने MOU किए, वो भी भारत की नवरत्न कंपनीज के। आने वाले टाइम में हम 32,000 मेगावाट आने वाले 5 साल के अंदर, आने वाले 5 सालों के अंदर ही करेंगे, जिससे पारंपरिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इस पर दिले जाएंगे, जिससे लोगों को जो उपलब्धता मिले, जिन बिजली मिले और ये जो दिक्कत आ रही आगे नहीं है। सर पानी की चोरी एक महत्वपूर्ण जो देखिए, मैंने राजस्थान केनाल से जहाँ जहाँ भी लाइने जाते हैं, मेन राइजिंग लाइने से, अभी हमारे पर्वत के माने पूर्व विधायक मान सिंह जी ने भी बताया कि बीच में से मेन जो राइज लाइन कोई एग्रीकल्चर करते हैं, इसके लिए हमारी सरकार बहुत जल्दी कानून लेकर आ रही है, कोशिश करें कि जो भी पानी चोरी करके उनको सजा मिले, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मानव जीवन का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है पानी, उसी को अगर चोरी करेंगे तो बहुत बड़ा संकट आने वाला है। राजस्थान में तो बहुत महत्वपूर्ण, इसके लिए हम कानून लेके आए। अगर लगे कोई घोषणा हमारे 2 महीने में पूरी हो जाएगी, कोई साल भर लगेगा, हो सकता है किसी में 1.5 साल लग जाए, क्योंकि वर्क की नेचर पर डिपेंड करता है, उसका कंस्ट्रक्शन पीरियड है। जैसे आज हमें कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनेगी उसका कंस्ट्रक्शन पीरियड कम से कम 18 महीने लगते हैं, तो अलग अलग नेचर है कौन सा काम कब होगा। बाकी जो टारगेट है उस पर हम पूरा करेंगे सर। जिस तरह से जिले बने वो तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि ये डीडवाना और कुचामन ये जिले बनने लायक ही थे, बन गए, से बहुत अच्छा। इसके लिए तो मैं पूरे मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी कई जिले ऐसे बने जिनकी कोई आवश्यकता है या नहीं है, उनका गुण अवगुण कितना था, क्या पॉपुलेशन होनी चाहिए थी, क्या डिस्टेंस होनी चाहिए थी, उससे कितने पॉपुलेशन को बेनिफिट होना था, ऐसे हमने लगभग 19 जिले बन गए। उनके लिए फाइनेंशियल हमारे पास आर्थिक रूप से कितना बार आएगा, इसके लिए ललित के पवार के एक से पूरा रिटायर्ड IAS के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, वो हमें रिपोर्ट देगी। मंत्रिमंडलीय समिति भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाई, उसके बाद में हम तय करेंगे कि कहाँ कहाँ जिले वाइबल हो रहे हैं या और बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या इन जिलों की सीमाएँ एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं, उसका आने के बाद में करेंगे। और डीडवाना की मैं बात करूं तो डीडवाना में तो फिर भी बहुत अच्छी पोजीशन में कि आज हमें यहाँ बैठ के आप सब जो कर रहे समीक्षा बैठक की है, आप सब लोग यहाँ पत्रकार वार्ता हम कर रहे हैं, तो यहाँ तो काफ़ी अच्छी पोजीशन है। बाकी कई जगह पे जो जिले बने कि जिले की घोषणा हुई, बाकी वहाँ पे कार्यालय की कोई पोजीशन नहीं, ऐसे बहुत से जिले, तो आने वाले समय में इन 5 सालों में जहाँ जहाँ जो भी जिले रहेंगे, मैं नहीं कहता कि कम रहेंगे, बढ़ेंगे, कम करेंगे, ये तो सरकार रिपोर्ट आने के बाद में करेंगे। बाकी उनके लिए हम पूरी जो भी प्राथमिकता के आधार पर उनके 20,000 कर्मचारियों की हमने भर्ती करके उनको हमने लेटर भी दे चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी इस चीज़ पे बहुत फोकस करें। इस बजट में हमारा मुख्य बिंदु ये भी है कि हम 4 लाख कर्मचारियों की हम भर्ती करके जहाँ जहाँ जिस जिस विभाग में जो भी कर्मचारी कमी है उसको पूर्ति करें। चिकित्सा विभाग में तो विभाग ये उसको देखेंगे, उसको जहाँ जहाँ जो कोर्ट जो भी कोर्ट स्टेट होगा उसको भी देखेंगे, कोर्ट स्टेट हटा के जहाँ उसको कर सकते हैं दूसरी जगह पर समायोजन करेंगे। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हुआ है भारत के अंदर, जब से मोदी जी बने उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोली है, बन रहे हैं, काम चल रहे हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आने वाले समय में डॉक्टर्स की जो सबसे ज़्यादा, अभी जो बात कर रहे थे कुलदीप जी, राका साहब, हमारे CR साहब और हमारे कलेक्टर सब कह रहे थे कि साहब हॉस्पिटल का तो हम
अपग्रेडेशन तो कर रहे हैं। धन्यवाद दूं कि यहाँ पे हमारे राज्य नागौर के अंदर सबसे ज्यादा, नागौर और डीडवाना जिले में सबसे ज्यादा हॉस्पिटलों के यूनियन के घोषणा हुई इस बजट के अंदर। सबसे ज्यादा यहाँ पे नए पद सर्जित होंगे, कई पीएससी हुई है, कई पे सीएचसी बनी है। तो ये इतना जो बजट में मैं अगर आपको गिनाऊंगा तो कम से कम 1 घंटा इतना बजट के अंदर नागौर और डीडवाना में मिला। बाकी इनके लिए पद कहाँ से आएंगे? इसके लिए अगर इतनी मेडिकल कॉलेज अगर पूरे भारत में हर डिस्ट्रिक्ट में खुलती तो हो सकता था कि मैं इसकी दिक्कत आती। बाकी आने वाले 2-3 साल में कोई डॉक्टर्स की कमी नहीं। इसमें भी हमने लगभग 1500 डॉक्टर्स हमने भर्ती की घोषणा की है। बहुत जल्दी 1500 से ज़्यादा डॉक्टर्स की एमबीबीएस भर्ती भी कर रहे हैं और आने वाले समय में जो जो हम नए कार्यालय खोल उनमें सब कर्मचारी पूरी भर्ती करेंगे। सरकार की उपलब्धि है, माननीय भूजन लाल जी ने यहाँ के जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधियों ने जो लिखे दिया, जो डिमांड की है, उनके आधार भी ये घोषणा हुई है। सर अभी निर्दलीय विधायक की बात कर रहे हैं तो निर्दलीय विधायक के मुताबिक बजट एक खाता वही है। हालांकि आप बजट कितनी तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं रुपया कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, कुछ डिटेल नहीं है इस बजट में और ये सिर्फ एक खाता वही की तरह है, बजट नहीं है। क्या सहमत है आप इनसे, जो विधायक है यहाँ के? इससे बड़ी ज्यादा सच्चाई क्या होगी, हम बैठ के काम को कब करेंगे इससे ज्यादा टारगेट करने के लिए। तो ये बैठक हुई है कि इसको तुरंत इम्प्लीमेंट करें, जो पैसा चाहिए वो तुरंत दे रहे हैं। खाता वही होता तो आज दिन तक जो भी बजट हुआ है 5-5 साल तक पूर्ति नहीं है। पहला मुख्यमंत्री जी है जिन्होंने तुरंत हमें भेजा और उसको क्रियान्वित करने के लिए तुरंत पैसे जारी कर रहे हैं। ये जो भी डिमांड यहाँ के जो अधिकारी जी इनको क्रियान्वित करने के लिए, तो जो भी दोनों डिस्ट्रिक्ट में है ये जो भी डिमांड करेंगे, चाहे जमीन अलॉटमेंट से लेके बिल्डिंग से लेके हर चीज के लिए, उसको तुरंत पैसा सेंक्शन करें। इससे बड़ा बजट कहाँ मिलेगा? सर एक बड़ी समस्या आ रही है, नया सत्र चल रहा है शिक्षा का, 6 साल से कम उम्र का बच्चा होगा उसका सरकारी स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा, तो सरकारी विद्यालयों की पहली क्लास लगभग खाली है, निजी विद्यालय में बच्चे जा रहे हैं और दुविधा की बात यह है कि उन बच्चों को हम आरटी के तहत पैसा भी देंगे। सरकारी स्कूलें खाली हो रही है, निजी को एक तरह से बढ़ावा देने वाला प्लान सरकार की तरफ से आया है, तो बड़ी दिक्कत है सरकारी स्कूलों के नए नामांकन के लिए। देखो जो शिक्षा नीति के तहत जो 6 साल का आरटी के अंदर 6 साल से छोटे बच्चे को तो पढ़ने का स्कूल में रखने का छोटा बच्चा को प्राइमरी में कहीं पे जा रहा कर रहा तो अलग चीज है, आंगनबाड़ी में भी जाते हैं, आंगनबाड़ी हमने चला रही है छोटे बच्चों के लिए। हमने हर विधानसभा के 5-5 बार आंगनबाड़ी खोलने का भी प्रस्ताव दिया। स्कूलों को तो बढ़ावा दे दिया ना आप लोगों को, वैसे निजीकरण क्या होगा? निजीकरण का कोई आरोप नहीं है शिक्षा नीति में, तो सर वो बच्चे जाएंगे एक शिक्षा नीति में दो नियम कैसे बदल सकते हैं? वो निजी विद्यालय उसको 3.5 साल के बच्चों को एडमिशन दे रहा है, सरकार जो है वो 6 साल से कम लेगी नीचे, या तो सेक्शन जनरेट करें जी अपर के जी नहीं है ना सरकारी स्कूलों में, कहा है सर के जी वो करवाइए उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।